गाइस, आज हम जा रहे हैं इंगिल्टन वाटरफॉल की जानिब। मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी इस जगह बहुत पसंद आएगी। हम हाइकिंग करेंगे और आप भी हमारा साथ दें। आप इस ड्राइव से लुत्फ अंदोज हों और वहाँ पहुँच कर फिर हम दोबारा आपसे बात करते हैं। हाईवे पर हैं और तकरीबन एक घंटा और 45 मिनट की ड्राइव है। बड़ा खूबसूरत और अच्छा रोड। कंपैरिजन करें आप हमारे इलाकों, हमारे मुल्क कंट्री की रोडों से, तो यहाँ बहुत सा बेहतर स्ट्रक्चर मौजूद है। और ये एक और बड़ी खूबसूरत, ये विलेज टाइप देहात हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी खासी खूबसूरत कंट्री साइड है। कंट्री साइड फार्मर, मोस्टली इन एरियो में फार्मर रहते हैं। हमारे दाएं जानिब देखें, बड़ी खूबसूरत और बड़े दिलकश नज़ारे हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोग भी महसूस होते होंगे नज़ारों से। और मंजर आप देखें, बड़ा खूबसूरत। सैटरडे है आज और हम बाहर निकले हैं। मैंने सोचा चलो आज कोई वीडियो बना लेते हैं और अपने व्यूज़ के साथ शेयर कर लेते हैं। और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए हमारे दाएं जानिब खूबसूरत फार्मलैंड।
खूबसूरत रोड, और अभी हम थोड़े के फासले पर हैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए हैं, और इंशाल्लाह हम हाफ एन आवर में वहां पहुंच जाएंगे। मंजिल के बिल्कुल करीब, और कुछ ही मिनटों में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और फिर आपसे बात होगी। बिल्कुल जी, हम अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं। ये आप रिवर का नज़ारा देखें। आगे बढ़ेंगे और वाटरफॉल देखेंगे और हाइकिंग करेंगे। ये देखें, ये जो इंफॉर्मेशन वगैरह इधर लिखी हुई है। और अब चलते हैं हम आगे की जानिब, और ये दाएं जानिब देखें कि पानी बह रहा है। अभी हम इसी के साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ आपसे बात भी करेंगे।
आज रात को मेरे ख्याल में खासी बारिश हुई है और फिसलन है। ये सीढ़ियाँ देखेंगे हमारे आगे जो अंग्रेज लोग जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल है इधर वॉकिंग। और ये वाटरफॉल आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाटरफॉल है, छोटी सी नज़र आ रही है, बहरहाल हाजी खूबसूरत है। और इसमें उसको एंजॉय करते करते और हाइकिंग करने का एक अपना ही मज़ा है। मुझे यकीन है कि आपको भी हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अब हम ऊपर आ चुके हैं, खासा अच्छा वेदर है, धूप निकली हुई है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। देखो ये लगता है कि आज रात किसी ने कैंपिंग की है इधर, कैंपिंग के लिए भी बड़ी खूबसूरत और अमेजिंग जगह है ये। हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही है, अभी धूप भी काफ़ी है और फिर भी बड़ी सर्दी लग रही है इधर ऊपर। आसमान का रंग गहरा नीला है और ये आगे मेरे ख्याल में जो मेन पॉइंट है इस वाटरफॉल का वो आ चुका है, क्योंकि इधर खासे लोग इकट्ठे हुए हैं, पिक्चर्स सेल्फीज सब कुछ ले रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से, वाटरफॉल आप ये देख सकते हैं, मैंने जूम किया थोड़ा सा। ये वाटरफॉल बहुत खूबसूरत लग रही है यहाँ से, और ये पानी वही है वो जिस रास्ते का हम फॉलो करते हुए इधर ऊपर आए हैं, उस तरफ नीचे जा रहा है। और अब इस वाटरफॉल के बाएं जाने पर हम खड़े हैं, बड़ा इस बाएं जाने से बड़ा खूबसूरत व्यू। और अभी हम इधर से ऊपर जाएंगे, ऊपर से देखें आप, कुछ लोग हमें फॉलो करते हुए ऊपर आ रहे हैं। ये वही मेन पॉइंट है जहाँ से पानी गिर रहा है, वो सीधा इसके नीचे है। और अब इस ब्रिज से दूसरी जानिब चलते हैं और ऊपर से व्यू देखते हैं कैसा है। और ये पानी देखें आप, ऊपर से आ रहा है।
अभी आगे हमें आइसक्रीम वान नज़र आ रही है, वहाँ से आइसक्रीम लेंगे और वहीं आगे जाके बैठ कर खाएँगे। और ये ऊपर साथ आइसक्रीम चल रही है और अभी आप यहाँ से व्यू देखें, बहुत खूबसूरत। अभी आगे चलते हैं और नीचे की जानिब खासा फिसलन है यहाँ पर बारिश की वजह से। गाँव आ चुका है इधर, साथ चंद ही मकान इधर गठे हैं, बड़ी खूबसूरत जगह ये छोटी सी शॉप। अभी ये छोटा सा दरवाज़ा इधर लगा हुआ है, जिससे बाहर निकलेंगे और आगे देखते हैं कि कैसा व्यू है। ये फार्म है किसी का, साथ ही और बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। बारिश तेज़ हो रही है अभी। और दूसरी जानिब उधर देखें, धूप भी साथ है और बारिश भी, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से भी। ग्रीन वैली जो बहुत खूबसूरत लग रही है, यहाँ से खासी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, खासी तेज़। वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत है ये, यहाँ से भी पानी गिर रहा है। और आगे चलते हैं, ठीक है आगे क्या कुछ है। बेंच लगा हुआ है बैठने के लिए, चाहे बैठे यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लें और फिर आगे चलें। बड़ा ज़बरदस्त हाइकिंग पॉइंट है ये, फैमिली के साथ भी यहाँ आ सकते हैं। और पॉइंट है यहाँ से, अभी एग्जिट लेना है हमें। और अभी इधर बाहर निकल के साथ महाराज जी जा रहे हैं, लेफ्ट साइड ऊपर जाकर हमें कुछ बैठ के खा लें, भूख भी लगी हुई है बड़ी सख्त। और बर्गर वगैरह हम साथ लाए हैं, सैंडविच वगैरह और ड्रिंक वगैरह इधर साथ में बैठ कर इधर ऊपर। और यहाँ ऊपर से आप देखें ये बड़ा खूबसूरत व्यू यहाँ से भी। और अभी यहाँ बैठकर हम कुछ खाए पिएंगे और फिर आगे चलेंगे। अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में यहाँ तक था और ये ट्रैक ख़त्म हो गया यहाँ तक। आज हमने तकरीबन 3 घंटे की वॉक की है यहाँ पर, ज़बरदस्त किस्म की।
जी मेरे ख्याल में जो उनका मेन टोन है, मेन शहर है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं अभी। ये एग्ज़िट पॉइंट ऑलमोस्ट, और यहाँ से अभी हम चलेंगे आगे और गाड़ी की तरफ और फिर वापस। की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई जगह के साथ हाज़िर होंगे। आपको यूनाइटेड किंगडम की और बेहतरीन और खूबसूरत जगहों का विज़िट कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए।